हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो लाई हूँ जो मैं एक नए तरीके से बना रही हूँ जो मैं बना रही हूँ। तो गाइस, आप लोगों की डिमांड थी कि मेरे पेट में जैसे मान लो दर्द होता है, तो जैसे आप समझ सकते हैं, तो जैसे सुठौरा बना रही हूँ मैं, जैसे कमर में दर्द है या पेट में दर्द है, जो भी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, तो इस तरीके से झटपट आप बना सकते हैं। ना ही आपको गैस में बनाना है, ना ही कुछ करना है, तो आप झटपट बना सकते हैं और अपने कमर का दर्द और पेट का दर्द ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है गुड़ और ये पिसी हुई सौंठ, जिसको बोलते हैं जो अदरक की होती है, जो उसको सुखाने के बाद उसका जो पाउडर बनता है वो ये, और एक चम्मच लिया है मैंने देसी घी। तो आप झटपट बनाइए सुठारा और अपने कमर का दर्द ठीक कीजिए। और जाड़ा चल रहा है गाइस, और हरीरा बनाने के लिए समय लगता है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हरीरा मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो हरीरा की भी मैंने वीडियो डाली है। तो गाइस, मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है जो मैं इस तरीके से ले रही हूँ। अब क्या करेंगे सुठौरा बनाने के लिए गाइस, ये जो गुड़ है इसको फोड़ लेंगे। तो जो अदरक उछलने वाली जो होती है, खल्लड़ मुसड़ जिसको बोलते हैं, तो इसी से इस तरीके से ये गुड़ को फोड़ लेंगे। तो इस तरीके से जब आप दबाएंगे तो बहुत ही आसानी से फूट जाएगी। तो आप झटपट बनाइए सुठौरा और खाइए और खिलाइए। जाड़ा चल रहा है गाइस, जाड़े में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। और पेट का दर्द है, कमर का दर्द है, पैरों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो सुठौरा से गाइस बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा गाइस, मिस नहीं कीजिएगा किस तरीके से मैं सुठौरा बना रही हूँ। तो इसको गैस गैस पे भी नहीं लिया, इस जिस तरीके से मैंने गैस पे भी बनाया था सुठौरा, किस तरीके से बनाते हैं, तो जो उसमें रामदाने के डालते हैं, उसमें पोस्ते के दाने डालते हैं उसमें, तो उस तरीके से भी वैसे भी मैंने सुठौरा बना के दिखाया था आपको। और ये झटपट वाला सुठौरा, जैसे फटाफट आप बना सकते हैं और फटाफट आपको, इस तरीके से मैंने फोड़ लिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इस तरीके से दबाते रहेंगे और ये मिक्स होता रहेगा। जिस तरीके से गुड़ इसको दबाते रहेंगे तो ये पसीसता रहेगा, यानी जिसको बोलते हैं इसमें पानी, ना ही इसमें पानी डालना है, ना ही इसमें दूध डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। बस गाइस, आप यूँ ही देखती रहिए और किस तरीके से मैं सुठौरा बना रही हूँ झटपट वाला, और इसमें ज़्यादा काम भी नहीं है और ना ही आपको ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। जब हाथों से इस तरीके से मैश करते रहेंगे और ये फटाफट में मिक्स हो जाता है, तो ये रहा सुठौरा। तो गाइस, गुड़ जो होता है इस तरीके से पसीसता है और पसीसने के बाद मिक्स हो जाता है। तो ये गाइस दोनों हथेलियों की सहायता से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप, आटे की तरीके मर रहा है साहब। अब ये इसको कटेंगे इधर और इसकी गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी। तो गाइस, इस तरीके से गोलियां बना दी हैं। इसको चाहे तो इसको लंबे शेप में इस तरीके से बना सकते हैं सुठौरा। और ये बनाने के बाद सुठौरा को गाइस, इसको आप किस तरीके से खाएंगे वो भी मैं बता रही हूँ। तो गाइस, आप जो है एक गिलास सादा दूध लीजिए गुनगुना। तो गुनगुना दूध लेने के बाद ही उसको ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, और गुनगुने दूध में उसमें चीनी नहीं डालिएगा। और इस तरीके से आप जैसे एक लड्डू बन गया, ये लड्डू और एक गिलास दूध के साथ आप लीजिएगा, आपके पेट में दर्द ठीक हो जाएगा, आप कमर का दर्द ठीक हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरीके से बना लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि सुठौरा मैंने तैयार कर लिया है। इस तरीके से ये बन गया सुठौरा। चाहे तो गोल शेप में आप बना सकते हैं, मैंने गोल शेप में भी बनाया है ये लड्डू, जिस तरीके से कहते हैं एक लड्डू खा लें और पेट का दर्द गायब। तो गाइस, और लिया है मैंने ये दूध, हल्का गुनगुना है, ज़्यादा गर्म नहीं है, इसको फीका रखना है। तो इस दूध के साथ इस तरीके से एक गिलास दूध ले लिया हल्का गुनगुना और एक सुठौरा ले लिया, दोनों आपने इस तरीके से खा लिए, तो आपका कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द छुमंतर हो जाएगा, आप पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से आप खाइए और सुठौरा दूध के साथ, और अपने पेट का दर्द और जोड़ों का दर्द ठीक करिए, और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप बनाइएगा झटपट। तो गाइस, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? ना ही आपको गैस पे दिखाना है, ना ही कुछ करना है, ना ही हरीरा बनाना है, अगर झटपट खाना है सुठौरा तो बनाइएगा इस तरीके से। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कम्युनिटी ऑप्शन में एक नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को देखिएगा और मेरी वीडियो शॉर्ट्स वाली कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये सुठौरा गाइस जच्चा को खिलाया जाता है, जच्चा न्यू बेबी जिसका होता है।
तो वो जचा पाती है। तो गाइस इस तरीके से झटपट बनाइए और खाइए। जय श्री कृष्णा।